हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर को करेंगे डिस्कस। 4.58 आज का क्लोजिंग प्राइस है। ये शेयर अभी एएसएम स्टेज वन में है फ्रेंड्स। आज इसने हाई बनाया है 4.70 का और आज का लो है 4.54 का। अगर हम बात करें अपने 52 वीक हाई की तो वो 6 रुपीज के आसपास है एंड 52 वीक लो है 2.82। 10% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर सर्किट। मार्केट कैप है इनका 2459 करोड़ का। टर्नओवर है 1.90 करोड़ का। फेस वैल्यू है 10 रुपीज। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो ईपीएस आपको मिल रहा है 0.62, पी मिल रहा है आपको 7, आरओई मिल रहा है आपको 5.93 एंड पावर सेक्टर से बिलोंग करता है एक पेनी स्टॉक है फ्रेंड्स। 18 जुलाई को एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है और इम्पोर्टेंट अपडेट है। बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ रतन इंडिया पावर लिमिटेड इंटर एलिया फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है टू डिक्लेयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, क्या डेट है जानते हैं। सो रतन इंडिया पावर लिमिटेड हैज इन्फॉर्म बीएसई मीटिंग होगी 25 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं बचे और उस दिन आएगा इनका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जून क्वार्टर का रिजल्ट, स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी शेयर के इन्वेस्टर्स हैं। एंड फ्रेंड्स, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो चलते हैं इनके मार्च क्वार्टर के प्रॉफिट में। तो मार्च क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 110 करोड़ का एंड दिसंबर क्वार्टर में था 96 करोड़ का। तो अगर इतना अच्छा प्रॉफिट है तो शेयर प्राइस इतना कम क्यों है फ्रेंड्स। अभी हम उसके लिए इनका एनुअली रिजल्ट भी जानेंगे। तो मार्च क्वार्टर में 110 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 96 करोड़ का प्रॉफिट था। इनका न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जून का, तो मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनके। तो फ्रेंड्स, इनका जो जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर होल्डिंग रही सेम 44.06% एंड FII ने ज़रा सी बढ़ाई है 0.31% और DII ने सेम रखी है 7.20% और पब्लिक बचता है 48%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं आपको इसका एनुअली भी रिजल्ट बताना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनका एनुअली देखें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यही एक रीज़न है कि इतना क्वार्टरली अगर रिजल्ट अच्छा आया तो शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि मार्च 2023 में है लॉस 1870 करोड़ का। मार्च 2022 में था 1981 करोड़ का लॉस। अभी आप इसका अगर देखें, मार्च 2013 से ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है फ्रेंड्स। तो लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो शेयर से दूर रहिए। जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके लिए क्या ऑफिशियल न्यू अनाउंसमेंट थी वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दे दी है। एंड वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। खुद से रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चैनल को किया फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।